अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन सीख कबाब की रेसिपी। सीख कबाब को आप टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फिर चलिए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स और इसकी रेसिपी। सीख कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम कीमा, एक प्याज, थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1 इंच अदरक, 6-7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। सबसे पहले आप लीजिए एक मिक्सर जार, उसमें आप ऐड कीजिए कीमा। फिर आप इसमें ऐड कीजिए चॉप की हुई प्याज, प्याज आपको थोड़ी मोटी मोटी चॉप करनी है। फिर आप इसमें ऐड कीजिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, और आपको इसे नमक ऐड करके थोड़ा ग्राइंड करना है 1-2 मिनट के लिए। पेस्ट टाइप बनाना है आपको इसका। अभी ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अभी आप इसे एक बॉल में निकाल लीजिए और इसमें ऐड कीजिए गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और बेसन 3 टेबलस्पून। और आप इसे अभी अच्छे से मिक्स कीजिए 4-5 मिनट्स के लिए। आप इसे ऐसे ही मिक्स कीजिए अपने हाथों से, जितना आप इसे मिक्स करोगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और 4-5 मिनट्स के बाद आप इसे फ्रिज में रखिए मैरिनेट होने के लिए, 1/2 आवर के लिए। हाफ एन आवर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो आप अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए इस तरह से। फिर आप लीजिए एक स्कीवर, अगर आपके पास ये ऐसा वाला स्कीवर नहीं है तो आप इसकी जगह पे पेंसिल भी ले सकते हो। और फिर आप थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर लेके इसे ऐसे प्रेस करते हुए स्लोली स्लोली आप इसे थोड़ा स्प्रेड करते हुए ऐसे सीख बना लीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीख बिल्कुल रेडी है। तो आप स्लोली जो ये स्कीवर है इसको आप स्लोली निकाल लीजिए और इन्हें बना के साइड में रख दीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। और फिर आप एक ग्रिल पैन को गरम कीजिए, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे सादे वाले फ्राई पैन पे भी कर सकते हो। और आप पैन पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इन सीख को आप ऐसे फ्राई कीजिए। अभी ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं और बिल्कुल ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी आप इसे दूसरी तरफ टर्न कीजिए और दूसरी साइड से भी आप इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीख जो है दोनों साइड से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अभी आप इसे निकाल लीजिए और आप इसे पुदीने की चटनी, सलाद और रोटी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।